टायर बाहर निकलता और अगर स्पीड में होती गाड़ी तो एक्सीडेंट होने के फुल चांस थे। और यहाँ पे जाके इसका स्टैंड बजा जिसके तो भाई आप एक बात बता दो, कोई आपने पैसे वैसे दिए मुझे क्या वीडियो बनाने के लिए? तो भाई get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big. हेलो गाइस, दिस इज विकास एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं ना अपना ना आपने जो देखी है ना मेरी बाइक्स, वो देखी आपने डोमिनार यानी कि काला घोड़ा, और आपने देखी ब्लैक चीता जो कि है सीबी ट्विस्टर आपकी ये वाली, ठीक है। आज जो है मैं एक अपनी स्कूटी रिवील कर रहा हूँ आप लोगों के आगे, जो मेरे पास एक स्कूटी और भी है, एंटॉर्क नहीं, एंटॉर्क नहीं ली थी, पर आप देख सकते ये वाली स्कूटी, तो मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। मेरे पास एक और स्कूटी है जो कि है जुपिटर, ठीक है, टीवीएस की होने वाली है ये, और इसकी आप हालत देख सकते हो कुछ इस तरीके की है, पूरा का पूरा कंडम कंडीशन है इसकी, और बहुत बुरी तरीके की हालत थी। कल फिर भी मैंने इसको वॉश कर लिया था, मतलब हाथ से साफ कर लिया था, और ये आप देख सकते हो नीचे पूरा का पूरा ऑयल आ रखा है, इंजन के ऊपर आप देख सकते हो पूरा ऑयल आ रखा है, तो इसमें इंजन ऑयल भी ऑलमोस्ट डेड है, और ये सील भी इसकी शर्ट कट गई है जिसकी वजह से ये इंजन ऑयल लीक हो रहा है, और साथ ही साथ इसका कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। यह भी ये लगा रखा था मोबाइल होल्डर जिसके साथ चार्जर था, ये आप देख सकते हो हॉर्न इसका, ये भी बाहर निकल जाता है, इंडिकेटर भी, ये स्विच ख़राब है, ये देखो चल नहीं रहा, ठीक है, पासिंग लाइट पासिंग कभी नहीं चल रहा, हेडलाइट पासिंग नहीं होती इससे, बाकी ये वाला चल रहा है और सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, कल कर दी थी इसलिए सेल्फ स्टार्ट हो गई, वरना तो इसको काफ़ी किक मारनी पड़ी, और इसका फुट रेस्ट भी नहीं है ये वाला। साथ ही साथ इसकी नई ग्रिल भी हटा देंगे, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इसकी, और देख सकते हो आप इस तरीके की होने वाली कुछ, ठीक है। और इसका जो बैंड पाइप है ये वाला सिलेंसर का, इस ये भी इसका ख़राब है क्योंकि इसमें से छेद हो रखे हैं जिसकी वजह से ना फिल्टर वो नहीं हो पाता, मतलब पिकअप नहीं पकड़ पाती गाड़ी, तो इसको भी कराएंगे। और अभी इसका सारा सामान लेने जा रहा हूँ मैं मार्केट या टीवीएस के शोरूम से लूँगा, तो पहले निकलते हैं यहाँ से, तो मिलते हैं फिर, निकलते हैं यहाँ से। और इसका ना स्टैंड जो है टूट गया था, वो कैसे टूटा था मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये स्टैंड सेंटर स्टैंड पे खड़ी थी ना, तो ये टूट गया था, ये देखो लटक रहा है, ये देखो, ठीक है, ये टूट गया था। क्यों टूटा था? क्योंकि ये गेट मैंने खोला और यहाँ पे जाके इसका स्टैंड बजा जिसकी वजह से ये स्टैंड टूट गया था, पर अब एकदम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे गाड़ी को बाहर और वहाँ जाके कराएंगे इसको सही, आज पूरी गाड़ी ओके कराएंगे, बस थोड़ी सी पेंट वेंट कराना रह जाएगा, बस नहीं कर देंगे इसको। तो इंजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल इसके, कर लूँ गेट लॉक, तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको सीधा मैकेनिक की दुकान पर। भाई अभी ना वेल्डिंग का काम चल रहा है इस पर, क्योंकि स्टैंड का ना बीच की जो पत्ती होती है ना वो टूट गई थी, तो मैंने सोचा वेल्डिंग करवा लेते हैं। अभी आए हुए हैं यहाँ से पालम से, सामान ले लिया था मैंने जो गाड़ी का जेन्युइन सामान था, और कुछ जो सामान नहीं मिल रहा था वो मैंने टीवीएस शोरूम से ले लिया था, बस अब यहाँ से चलते हैं और अपना जाके अपने मैकेनिक के पास सर्विस करा लेंगे गाड़ी की। जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपना मैकेनिक की शॉप पे, जिसका नाम है साई मोटर, और ये भाई है जो गाड़ी का पूरा काम करेगा। क्या हाल है भाई, ठीक हो? आज कैसे करने वाले हो गाड़ी को? सर आप सर्विस करेंगे, ब्रेक छुड़ा लेंगे, एयर फिल्टर चेंज करेंगे, यानी से पूरी गाड़ी ओके करके दे। अच्छा ओके करके दोगे भाई, गाड़ी में साउंड वाउंड नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, है ना? सीट कवर भी डाल के देंगे आपको। चलो भाई आज पूरा, तो भाई देख सकते हो आप इसकी सीट खुल चुकी है और अंदर देखो कितनी गंदगी हो रखी है यार, पूरी मिट्टी से भर चुकी है, क्योंकि छाए खड़ी होते हैं ना वहाँ मिट्टी बहुत आती है, और यहाँ पर ऑयल जो है भाई ने निकाल दिया है, ड्रेन कर दिया इसका, तो भाई अच्छा खासा खर्चा आ रहा है। देखो भाई दिखाएगा आपको, ये देखो, ये देख सकते हो भाई क्या क्या हो रहा है चेंज। यहाँ पे एयर फिल्टर है, ठीक है, ये खराब हो चुका है ऑलरेडी, पहले से खराब था, इसको चेंज करेंगे, ठीक है, ये रिपेयर नहीं होगा। आपका ये पेट्रोल फिल्टर है, ठीक है, जो ये पेट्रोल ज्यादा खा चुका है, ठीक है जी, और आपने काफी टाइम से सर्विस नहीं हो पाई थी इसकी, तो इस वजह से गाड़ी में पिकअप की दिक्कत आ चुकी है, दिक्कत आ गई है। इसमें रिपेयर कुछ नहीं होगा, इसमें सब कुछ हम चेंज करेंगे। चलो यानी जैसे आपको दिख रहा है गाड़ी खुली हुई है और आपको इधर ऑयल भी दिख रहा होगा, इस वजह से इसमें पिकअप नहीं आ रहा है, ठीक है, और ऑलमोस्ट पूरा में ऑयल है, और ये सूखे पड़े हैं, ग्रीसिंग नहीं हुआ, यानी कि इनको हम तो पहले चेंज हो चुके हैं, इनको रिपेयर करेंगे, जो चीज़ रिपेयर करने वाली है मेंटेनेंस है उसे कर सकते हैं, बाकी ये भी रिपेयर होगा इनका। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हो रही है जी पूरी पार्ट की जो है वॉशिंग, और वो भी पेट्रोल से, तो आप
तो गाइस देख सकते हो आप सारा का सारा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, और ये भी देख सकते हो आप पूरा अच्छी तरीके से भाई ने क्लीन कर दिया था। और वो आप देख सकते हो इंजन ऑयल के डब्बे के अंदर एक फ़िल्टर है, जिसमें क्या है कि अगर कुछ कचरा वचरा होता है ना, तो पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, मतलब वो बचा लेता है आपको इंजन को ब्रेक हार्म होने से। तो भाई जब से ये नई गाड़ी ली थी ना, तब से देखो ऑयल फ़िल्टर जो है बिल्कुल नहीं खुला था। भाई ने देखो ये स्पेशल खोला, कहा कि भैया इसकी मैं पूरी क्लीनिंग करूँगा जहाँ से भी हो सकेगा। तो भाई गाड़ी ना पिकअप नहीं ले रही थी, तो उसके चक्कर में ना क्लच शू जो हैं ये डले हैं, ठीक है भाई ने अभी डाल दिए हैं, और अभी ब्रेक शू भी इसके आगे पीछे के दोनों साइड के डल जाएंगे, और ये काम हो चुका है इसका क्लच का डन। तो गाइज़ आप लोगों से एक बात और करनी है, आप लोग ना सिर्फ जजमेंट मत करना कि भाई अगर ये बंदा काम कर रहा है इतना अच्छी तरीके से बता के डिटेल में, तो ये शायद अपनी वीडियो के अंदर आने के लिए कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप भी आओगे तो आपके भी साथ ऐसा ही काम होगा, जो भी चीज़ है पैसे, बल्कि मैं इनसे नहीं ले रहा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रही इस दुकान के लिए या इस भाई के लिए, ठीक है आपका मन है जहाँ मर्जी कराओ, बट मेरी ये सजेशन है क्योंकि मैं करा रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है अगर वो यहाँ कहीं रहती है द्वारका साइड पर, तो इस भाई से मिल के काम करवा सकती है। और भाई मैं साफ सीधी बात बताऊँ, मेरे घर के पास भी ना बहुत मैकेनिक हैं, मैं उनसे काम नहीं करवाया, मैं वहाँ से अपने घर से 7 किलोमीटर दूर आया हूँ और यहाँ पर काम करा रहा हूँ। भाई ने सेटिस्फेक्शन पूरी दी है, काम देख रहे हो आपके सामने हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने भाई को पैसे भी दूंगा, पेटीएम करूंगा, ठीक है, और आपको दिखाऊंगा। तो भाई आप एक बात बता दो, कोई आपने पैसे वैसे दिए मुझे क्या वीडियो बनाने के लिए? तो भाई मेरी गाड़ी का काम है, मैं इसलिए यहाँ पर काम करवा रहा हूँ। मेरे को एक कंटेंट शूट करना था आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास गाड़ी जो है जुपिटर, उसका भी मैं काम करवा रहा हूँ, तो मेरे पास हो जाएगी प्रॉपर रेडी गाड़ी, तो मैं कोई भी निकाल सकता हूँ राइड के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आया था दूर कि काम अच्छा हो जाए, बस प्लीज़ आप जजमेंट मत करना कि भाई ये प्रमोशन के लिए या कुछ भाई ने पैसे दिए होंगे या डिस्काउंट दिया होगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। बाकी काम मुझे अच्छा मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन हो रही है, ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट मिल रहे हैं मेरे को, ये आप देख सकते हो सारा जेन्युइन पार्ट है, ठीक है। ये मैं खुद लेकर आया हूँ, भाई ने बोला कि आप खुद ले आओ, कोई इशू नहीं है, मेरे को व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज दी थी, मैं लोकेशन के थ्रू यहाँ पर आया हूँ। तो प्लीज़ 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 मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ जजमेंट मत करना अपने आप कि भाई ये सिर्फ प्रमोशन के लिए आया है या अपनी वो के लिए। मेरे को अपना कंटेंट शूट करना था, साथ में अपना सामान खुद लेकर आया था, इंजन ऑयल भी यहाँ तक कि मैं खुद लेकर आया था, और भाई ने जो भी सामान डाला है, मैं अगर इधर उधर भी हुआ हूँ तो मेरे सामने ही डाला है, तो तब तक के लिए वेट करा। ये देखो सामने ही चल रहा है आपके, ये एयर फिल्टर था, ठीक है, एयर फिल्टर भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये मैं लेकर आया था, और आप अपना पार्ट खुद डलवाओ, बस उनको जो लेबर चार्जेस हैं वो आपको देने होंगे, बट सेटिस्फेक्शन गारंटीड है कि आपको मिलेगी। बाकी फाइनल आपको लुक दिखाऊंगा, मैं गाड़ी को चला के देखूंगा, चेक करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसी लग रही है गाड़ी। अगर अच्छी होगी तो मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगा, गलत होगी या कोई भी दिक्कत होगी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, तो बने रहना। तो यहाँ पर डल रहा है जी अपना इंजन ऑयल, और इंजन ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट, और ये फुली सिंथेटिक होने वाला है। फुली सिंथेटिक का मतलब ये होता है कि इसमें ना चिकनाहटपन थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इंजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है। ये देखो कैसा ऑयल होने वाला है। तो गाइस इसमें ना सेल्फ चेक करना, बहुत लंबा सेल्फ ले रही है, ये देख रहे हो कच्चर कवार कर रही थी। तो हुआ क्या था, ये जो इसका ये है ना वार्शल, ये आगे जाके वापस नहीं आती, तो भाई कह रहे हैं कि इसका भी खोल के देख लेते हैं, तो करवाते हैं इसका भी यार, क्योंकि बहुत। तो यहाँ खुल रहा है जी सेल्फ अपना, तो उसके बाद ये इसमें रिपेयर होने वाला होगा, तो रिपेयर होगा तो कर देंगे, बाकी ये भी आपके सामने ही खुल रहा है, देख लो फंसा पड़ा है क्या जी। ये जो ना यहाँ पे ऐसे आती है क्या, ये जो है ना ये यहाँ रुक रही है, ये इतने पर आनी चाहिए, अच्छा इतने पर रुक रही है, अच्छा यानी कि इसमें इतना फर्क है, अच्छा इतना फर्क है, यानी कि चेंज होगी, ज़्यादा रिपेयर नहीं होती। अच्छा तो चेंज कर दोगे? हाँ तो चेंज कर दो उसको, कोई दिक्कत। तो भाई गाड़ी अगर नहीं चलाओगे ना, रेगुलरली खड़ी रहेगी, तो उसको यूज़ में नहीं लोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। देखो इसका हैंडल भी जो है लूज़ हो गया था, अब भाई इसको ठोक के कर रहे हैं, कौन सेट है, तो कौन सेट इसका जो है अभी आप देख सकते हो, भाई ठोक के खड़ी कर रहे हैं भाई, अभी गोप्रो पे बज जाता है हथौड़ा। तो जी अभी इसके ब्रेक शू आगे के फ्रंट के चेंज हो रहे हैं, और ये आप देख सकते हो इसके पूरे घिस चुके हैं अच्छी तरीके से। तो अब ये पैकेट खुलेगा, और ये पैकेट के अंदर है ब्रेक शू, अभी इसके अंदर लोड हो जाएंगे। तो गाइस इस तरीके के होते हैं, ठीक है, इतना माल इसके अंदर होता है, ठीक है। और आप ये देखो, मैं इसके साथ लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना ये चीज़ होती है मेन, और यहाँ पर बिल्कुल प्लेन हो चुका है ये। इसको रेग मार्क से पहले क्लीन कर लिया जाएगा,
उसके बाद इसको डाल देंगे इसके अंदर। तो भाई बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, पता है क्या हुआ, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा जंग खाया हुआ है। ठीक है, हुआ क्या कि इसके अंदर जो था पीछे वाला जो बोल्ट था ना, ये वाला, ये जो था लूज था, दिखाना भाई, ये देखो लूज था, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी वानी भी लग के लास्ट जो चूड़ी होती है ना, लास्ट चूड़ी में फंसा हुआ था। मतलब ये लगा लो कि अगर ये निकल जाता तो टायर बाहर निकलता, और अगर स्पीड में होती गाड़ी तो एक्सीडेंट होने के फुल चांस थे। देखो यहाँ दिखाना भैया, इतना सा फंसा हुआ था बस। सब पीछे चल रहा है इसके ब्रेक शू दूसरे वाला जो रेयर टायर में चल रहा है, तो ये भी मैंने किसी का चेंज करवाया था, वो भी घिसा हुआ, दिखाना भाई, नहीं उस पर है, उसमें देखो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत माल है इसमें। ठीक है, ये देखो इसमें है थोड़ा बहुत, बट फिर भी ना सर्विस के अंदर चेंज करवा ही रहा हूँ कि जो भी करवा रहे हैं अच्छा सा करवा लें, क्योंकि ना देखो किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं रहते। तो गाइस जैसे कि मैंने स्कूटर स्टार्ट करी थी ना, तो सेल्फ के अंदर ना आवाज़ आती थी क्रच 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 करके, तो उसके चक्कर में ना मैंने ये चेंज करवाया, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो पूरी राउंड हो रही है ये, और ये देखो ये कितना स्लो जा रहा है। ठीक है, ये वापस नहीं आता, जिसके चक्कर में सेल्फ इतनी लंबी आवाज करता है, तो ये भी अभी चेंज करवा देंगे। ये देखो वैसे तो काम चल सकता था इससे, ठीक है, पर ना गाड़ी क्या है अपनी है यार, कि अपने गाड़ी से ना प्यार करते हो ना, तो भाई अपनी गाड़ी को ना ओके की रिपोर्ट रखो एकदम, मतलब ना अप टू डेट रखोगे ना तो गाड़ी में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपका साथ प्रॉपर देगी गाड़ी। तो भाई नई गाड़ी सेल्फ की डल चुकी है इसके अंदर, और आप चेक कर सकते हो साउंड, मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ, आपने पहले भी सुन लिया था कि कैसे वो पुराना वाला वो पड़ा जो उसका साउंड आ रहा था, और अभी इसका साउंड सुन लो कैसा होगा। ठीक ना भाई, तो गाइस अभी गए थे हम गाड़ी को वॉश करवाने के लिए, सॉरी फॉर कि मैं गाड़ी वॉशिंग की वीडियो नहीं बना पाया। तो गाइस हो चुकी है गाड़ी एकदम हमारी पूरी कंप्लीट, और अब हो रही है इस पर पॉलिश, और भाई देखो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है, कोई इशू नहीं है, आप आ सकते हो। और आपको शॉप दिखा देता हूँ, शॉप का नाम होने वाला साई मोटर, और भाई ये कहाँ पड़ती है शॉप ये बता दो। ये आपको पड़ेगी सेक्टर 19 अमराई गाँव में शिव मंदिर के पास। अच्छा, तो भाई अगर आप द्वारका या पालम या मतलब इस एरिया में वेस्ट दिल्ली में रहते हो, अगर आपको जनरली काम करवाना है ना, तो आप आ सकते हो। बाकी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आप आओ अपना काम कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बारिश का मौसम हो चुका है आप देख सकते हो, तो बारिश बड़ी तेज़ पड़ जाएगी, और ये पॉलिश वॉलिश मेरी धुली धुलाई सारी गाड़ी बेकार हो जाएगी। तो बस अब चलते हैं यहाँ से जल्दी से। तो गाइस गाड़ी हो चुकी है मेरी ऑल डन, और ना मेरा इसका बस पता क्या काम रह गया, एक तो इसका रह गया चोक की वायर डलना, जो आज पूरा नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर ना मिल नहीं रही, क्योंकि आप देख सकते हो ये विलेज टाइप के एरिया है, और यहाँ पे ना बहुत कम आपका जो है ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं, जिसकी वजह से पार्ट्स नहीं मिल पाया। ठीक है, तो गिनी चुनी दुकानें हैं, बाकी आप देख सकते हो सामने कंडीशन है गाड़ी की, और यहाँ पे ना जंग लग रहा था तो यहाँ पर मैंने पेंट कर दिया स्प्रे पेंट, बाकी इसको चेंज करा देंगे क्योंकि बैंड पाइप जो है इसका चेंज होने वाला है। ठीक है, और ये मड गार्ड भी है चेंज होने वाला। ठीक है, और आगे का ये भी करवाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये जो है यहाँ से आप देख सकते हो ये वाली जगह से टूटा पड़ा है। ठीक है, तो ये भी चेंज करवा देंगे, पर जिस दिन गोकुलपुरी जाऊँगा उसी दिन कराऊँगा। ठीक है, तो बस अब चलते हैं यहाँ से, बाकी एक बार शॉप का एड्रेस फिर बता दे। अमराई गांव, हाँ, सेक्टर 19 शिव मंदिर। तो बाकी गाइज मैं आपको वहाँ पे हनुमान मंदिर ही है। तो गाइज मैं आपको ना हनुमान मंदिर का लोकेशन डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर आके इस भाई का नंबर भी डाल दूंगा, कॉल कर लेना, जनरली काम हुआ भाई, मैं तो सेटिस्फेक्शन पूरी हुई है। बाकी भाई सामान, तो गाइस गाड़ी की हो गई है सर्विस, और सच्ची बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है चला के इसको, ऐसा लग रहा है कि मतलब शोरूम कंडीशन तो नहीं कह सकते, बट परफॉर्मेंस वाइज ना मतलब अच्छी, मतलब रिस्पांस दे रही है गाड़ी। मैं आपको ये देखो, ये है नॉर्मल, ये देखो भाई उठती है गाड़ी एकदम से ना, सब कुछ तो नया डलवा ही दिया है इसके अंदर, ब्रेक शू हो गए, ठीक है, क्लच शू हो गए, और आपका क्या कहते हैं इंजन ऑयल, इंजन ऑयल सर्विस, पूरा फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, सारा कुछ चेंज करा दिया, बस रह गया है तो क्या, ये आपका थ्रॉटल देने के लिए जो रेस वायर होती है ये, और आपका चोक वायर, जो ये चोक होती है ना, ये चोक की वायर डालनी रह गई है बस। इस दिन गोकुलपुरी का मेरा चक्कर लगाना, तो आगे की बॉडी मतलब छाती जिसे कहते हैं वो, और क्या करवाना था, हाँ एक ये भी करवाना है चेंज, ये देख सकते हो आपको मैंने एम सील नहीं ये फेविक्विक से और मिट्टी डाल के ना इसको जोड़ रखा है। ठीक है, तो ये काम ना जुगाड़ू है, पर ये अच्छा भी नहीं लगता, तो बस ये चीज़ करवाएंगे, और आप देख सकते हो गाड़ी शाइन मार रही है। अब तो मैं आपको खड़ी करके ना एक जगह पे दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, यहीं लगा देता हूँ।
देख सकते हो आप गाड़ी एकदम लुक मार रही है। और ना ये होती है छाती, ये चेंज करा देंगे, मरगाड़ आगे का चेंज करा देंगे। पीछे वाला जो है ऑलमोस्ट सही है, बस ये है कि जिस दिन गाड़ी पेंट करा लूँगा तो उसके बाद ये भी करवा लेंगे कंप्लीट। बाकी टायर इसका पीछे का चेंज होने वाला है, वो भी चेंज करा लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाते रहेंगे, गाड़ी को ओके की रिपोर्ट रखेंगे। सीट कवर भी, सीट कवर नहीं सीट बनवा लूँगा। यही वॉशिंग पे गई थी ना तो क्या था, गीली हो गई, मेरे चूतड़ जो है गीले हो गए। द्वारका में ना घूमने का मजा ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है यार। ब्लॉग तो बहुत अच्छे बनते हैं द्वारका में ना यार, पूरा ग्रीनरी तो होता ही यार, साथ खुल्ला डुल्ला भी यार मजा आता है। अब ये रोड आप समझ गए हो देख के कि कौन सी है, नहीं तो अभी आपको पता लग जाएगा अगर आप देख ही लोगे तो बस एकदम निकट आ चुका हूँ मैं अपने घर के। और यहाँ कर देते अपना नेविगेशन को ऑफ, डालते जेब में। तो गाइज ये आप देख सकते हो कौन सी जगह है, मैंने ये रोक दी उसी जगह पे गाड़ी। नहीं समझे तो आपको मैं बता देता हूँ, ये है द्वारका सेक्टर 9, जो हॉन्टेड ट्री बताया जाता है ये वही पेड़ है। और यहाँ पर भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब मिथ है। ये देखो पूजा करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, तो पीपल के पेड़ पे कैसे भूत चिपट जाएंगे भाई। ओ भाई ये क्या सीन है। तो भाई चलो करते हैं व्लॉग को यही एंड, मिलेंगे आपको फिर एक नए व्लॉग में बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए समझ गए, बाय।